हेलो फ्रेंड, दिस साइड प्रियांशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक यू सीट नाउ पे। तो आज हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं वो है हमारा स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। इस कॉलेज के बारे में हम ए टू जेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो इससे पहले बना रखी है हमारी इस कॉलेज के ऊपर, स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के ऊपर, बट उस वीडियो में मैंने सिर्फ यूजी कैंडिडेट्स का फर्दर चीज़ें आपकी अवेल कराई थी, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। बट ये जो वीडियो होने वाली है इसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम यूजी टू पीजी। पीजी की हम सारी चीज़ें बताएंगे, कितना क्या स्टिफेंड आपको मिल रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जा रहा है आपको, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं और कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं अगर आप यहाँ पर एडमिशन के लिए देख रहे हैं। और साथ ही साथ यूजी की बात करेंगे तो यूजी की सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे, कितनी फीस है, क्या हॉस्टल फीस, क्या मिसलिनियस चार्जेस, कितने क्या चार्जेस आपको पे करने हैं, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर यूपी कैंडिडेट्स या फिर अगर बाहर का कोई कैंडिडेट्स है उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके पास लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जो आपका स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च है, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा यूपी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इस कॉलेज को हम दूसरे भी कई नाम से जानते हैं, लाइक SMSR ग्रेटर नोएडा या शारदा मेडिकल कॉलेज या शारदा मेडिकल कॉलेज शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से इस कॉलेज को जाना जाता है। ये कॉलेज आपका ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। हालांकि जैसे कि ये यूपी का कॉलेज है तो जाहिर सी बात है यूपी जो है आपका, उत्तर प्रदेश जो है वो आपका ओपन स्टेट। ओपन स्टेट मीन्स यहाँ पर अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ के स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशन के लिए। मतलब कोई भी बच्चा है जो आपका कर्नाटका से बिलोंग करता है या फिर आपका उड़ीसा से बिलोंग करता है, MP से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, वो अगर यूपी की काउंसलिंग कंडक्ट करना चाहे तो कंडक्ट कर सकता है, आपका बैठ सकता है काउंसलिंग में। लेकिन उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, EWS, OBC, SC, ST, PWD, वो एज अ जनरल ट्रीट किया जाता है आपकी कोई भी ओपन स्टेट कॉलेज के, ओपन स्टेट स्टेट में अगर जाते हैं तो। तो ये बात होगी। तो ये कॉलेज यूपी में है, उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये 2009 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हम इसके कॉलेज के बारे में बात करते हैं तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है आपका, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से एफिलिएटेड है और आपका ये NMC से अप्रूव्ड है। तो ये सारी मैंने चीज़ें बता दी आपको शारदा मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि आपको सारी नॉलेज पता ही होगी, कुछ कुछ नॉलेज नहीं होगी वो भी आपको क्लियर होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अब हम शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है जिसके पीछे ये वीडियो ला रहा हूँ, जो कि आपको रिव्यू जो प्रोवाइड करना था हमको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट यूजी के बारे में। यूजी के बारे में हम इसके ट्यूशन फीस के बारे में जानेंगे, मिसलिनियस चार्जेस, हॉस्टल फीस, सिक्योरिटी फीस कितनी क्या है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो MBBS के बारे में बात करते हैं तो टोटल यहाँ 150 सीट्स पर आपका एडमिशन लेता है कॉलेज, जिसमें अगर हम ट्यूशन फीस के बारे में बात करते तो 12,69,319 रुपीज़ पर ईयर आपको फीस पे करने पड़ती है। यह आपको फीस अवेल करने को, आपको फीस पे करनी पड़ती है अगर हम इसके बात करते हैं तो। यह आपकी 2022 सेशन की फीस है। नेक्स्ट ईयर अब जो भी फीस रहेगी उसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फर्दर अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी, चाहे वो यूजी हो या फिर आपका पीजी हो। तो ये मैंने ट्यूशन फीस के बारे में आपको बता दिया। अब अगर हम मिसलिनियस चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो 85,600 रुपीज़ आपको पर ईयर आपको पे करना पड़ता है मिसलिनियस चार्जेस। इसमें आपकी एक्स्ट्रा फीसेस जो होती हैं, लेबोरेटरी फीस हो गया, जिम है, स्पोर्ट फीस हो गया, यूनिवर्सिटी फीस हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, इसमें सारी चीज़ें वो इंक्लूड होती है। वहीं पर अगर हम हॉस्टल के बारे में बात करते हैं तो 1,50,000 का हॉस्टल आपको पे करना पड़ता है। ये आपका नॉन AC हॉस्टल होता है 2-सीटर के साथ। अगर आप AC रूम लेना चाहते हैं तो 1,75,000 आपको फीस पे करनी पड़ती है पर ईयर। जो भी ये फीस बता रहा हूँ इसमें आपका हॉस्टल प्लस लॉजिंग इंक्लूड है, सॉरी हॉस्टल प्लस फूडिंग आपका इंक्लूड है, खाना भी आपका इंक्लूड है इसमें। वहीं पर अगर हम सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 3 लाख का सिक्योरिटी मनी आपको सबमिट करना पड़ता है। ये 1 टाइम आपको पेमेंट पे करनी पड़ती है, जो कि आपकी रिफंडेबल होती है लास्ट ईयर, या तो आप अपने पैसे अपने अकाउंट में वापस ले सकते हैं या अपने फीस में मैनेज करवा सकते हैं। तो ये आपकी MBBS के बारे में मैंने फर्दर डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी है कि कैसे क्या कितनी क्या फीस आपको पे करनी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो आप फीस फर्स्ट ईयर पे करते हैं, जितनी भी फीस है वो आप पे करते हैं, साथ ही साथ आपको PDC चेक वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, लाइक नेक्स्ट थ्री इयर्स का, कि फर्स्ट ईयर आपने जो पेमेंट कर दिया वो कर दिया, उसके बाद जो 3 चेक और आपको वहाँ पर पे करने पड़ते हैं, पहले आपको सबमिट करने पड़ते हैं जिसको आप PDC चेक करते हैं, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। कितने क्या फीस के होते हैं अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए,
मैं आपको उसके लिए फर्दर डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम पे उसमें डिटेल डाल दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा फर्दर चीज़ें, कितनी क्या आपको चेक पे करने पड़ते हैं, कौन कौन से सेशन के एक्स्ट्रा, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी MBBS के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अगर हम BDS की बात करते हैं तो BDS में जो फीस जाती है वो आपकी 3,65,000 आपकी फ़ीस जाती है। हॉस्टल कंपलसरी नहीं होता है और आपका सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 की सिक्योरिटी मनी आपको पे करने पड़ती है। तो ये सारी बातें हो गई हमारे स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। MBBS की अगर बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे हमारी PG के बारे में, कितनी क्या सीट्स अवेलेबल है, कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो PG की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे आती है जो पैथोलॉजी आती है, पैथोलॉजी की इसमें 2 सीट्स अवेलेबल है, कम्युनिटी मेडिसिन की 2 सीट्स अवेलेबल है। वहीं पर हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो 2 सीट्स अवेलेबल है, एनाटॉमी 2 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी 2, देन हमारा आता है फार्माकोलॉजी 2 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री 1 सीट, जनरल सर्जरी 11, ऑर्थोपेडिक्स 6, सेकेट्री 2, जनरल मेडिसिन 10 सीट्स, पीडियाट्रिक्स 6, देन हमारा ऑप्थल आता है 2, डर्माटोलॉजी 2, रेडियो 2, एनेस्थीसिया 6, ENT 2, देन TB चेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपकी टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने बता दी, कितनी कितनी सीट्स आपकी अवेलेबल है यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जाता है जब अगर आप एडमिशन लेते हैं। हॉस्टल क्या मैंडेटरी होता है, क्या नहीं मैंडेटरी होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं, सिक्योरिटी मनी कितनी क्या होती है, टोटल फर्स्ट ईयर में कितना क्या आपको पे करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें A to Z हम अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच लाइक माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इनकी अगर बात करते हैं तो इनकी जो फीस है वो आपकी 9,77,116 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ती है, ये ट्यूशन फीस है पर ईयर माइक्रोबायोलॉजी कम्युनिटी मेडिसिन की। बाकी जो फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी होगी, इसमें 100% स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है ट्यूशन फीस पे, तो इसको आप में कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है। अदर चार्जेस की बात करते तो 1,28,400 इसके अदर चार्जेस हैं जो कि आपको पर एनम पे करने पड़ते हैं। वहीं पर आपको अगर हम इसके सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो 1 लाख का सिक्योरिटी मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। तो टोटल फीस जो जाती है आपकी कम्युनिटी मेडिसिन माइक्रोबायोलॉजी की वो अराउंड फर्स्ट ईयर 12,5,516 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर पे करनी पड़ती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका हॉस्टल मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल में होता है। देन हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो आती है वो पैथोलॉजी आती है, इसकी अगर फीस की बात करते हैं तो 13,68,025 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ती है। अदर चार्जेस आपके सेम है, 1,28,400 रुपीज़ आपको पर ईयर पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें भी हो, ये भी आपका रिफंडेबल होता है, लास्ट ईयर में आप रिफंड करवा सकते हैं। टोटल आपका 16,12,400 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल आपका मैंडेटरी होता है, AC हॉस्टल आपको मिलता है डबल सीटर रूम के साथ, जो कि आपको 2,10,000 पर ईयर आपको पर एनम पे करना पड़ता है, इसमें आपको फूड इंक्लूड है। अब हमारी अदर जो क्लिनिकल ब्रांच आ गई उसकी फीस के बारे में बात करते हैं, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो डर्माटोलॉजी, रेडियोलॉजी, देन आपकी जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, एमरजेंसी मेडिसिन, उपगाइनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, जनरल सर्जरी, ऑप्थल, सेकेट्री, ENT, तो इसकी जो फीस जा रही है वो आपकी 25,40,649 रुपीज़ पर ईयर फीस जा रही है। ये जो फीस बता रहा हूँ ये 2022 सेशन की ये फीस है, अभी जब आप 2023 सेशन में फीस एडमिशन लेंगे तो उसका जो भी अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आएगा UP का वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, आप हमारे वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेटेड चीज़ रहेंगी PG के काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हमारे चैनल पे मिलेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप PG एस्पिरेंट हैं या UG एस्पिरेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए, ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। अदर चार्जेस के बारे में बात करते तो 1,28,400 रुपीज़ का आपको अदर चार्जेस पे करना पड़ता है पर एनम। वहीं पर आपकी सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं तो 5 लाख की सिक्योरिटी मनी सबमिट होती है, जो कि आपकी रिफंडेबल होती है लास्ट ईयर। तो टोटल पैकेज की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको पे करना पड़ता है वो 31,69,049 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है फर्स्ट ईयर। अगर हॉस्टल की बात करते हैं तो 2,10,000 का हॉस्टल है, जिसमें आपको फूड इंक्लूडिंग है, AC हॉस्टल आपको मिल जाता है डबल शेयरिंग के साथ। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी जो ब्रांच रह जाती है वो एनेस्थीसिया, इसकी अगर फीस के बारे में बात करते हैं 20,90,649 रुपीज़ आपकी फीस है। अदर चार्जेस आपके वही सेम
देन हमारा रिफंडेबल फीस के बारे में सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं, तो 2 लाख का आपको सिक्योरिटी मनी है, तो फर्स्ट ईयर में जो टोटल पैकेज जाता है ये 24,19,049 रुपीज़ का आपको पैकेज जाता है। तो ये सारी चीज़ रहेंगे आपकी पीजी के लिए। और हम और बात करते हैं तो इसके जो स्टिफेन है वो आपका जो स्टिफेन मिलता है फर्स्ट ईयर आपको 32,000 पर ईयर सॉरी पर मंथ मिलता है, देन 34,000 पर मंथ, देन 36,000 पर मंथ आपको स्टिफेन मिलता है। और साथ ही साथ बॉन्ड की बात करें तो वन ईयर का आपको SRCF जो कंपलसरी है वो आपको लेनी पड़ती है यहाँ पर, किसी जो भी आपके डिपार्टमेंट है उनके अंडर में आपको लेनी पड़ती है डॉक्टर के अंदर में वहीं पर। तो बाकी एक चीज़ और है यहाँ पर, आपको 2 चेक एक्स्ट्रा आपको PDC चेक सबमिट करने पड़ते हैं, जो कि आपका फर्स्ट जो पेमेंट होती है वो आपकी होती है 26,69,049 रुपीज़ की, ये PDC चेक आपको पे करनी पड़ती है नेक्स्ट ईयर की 2023। जैसे कि अगर आपने अभी एडमिशन लिया तो नेक्स्ट ईयर उसका आपको PDC चेक पे करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2024 का भी 26,69,049 रुपीज़ का आपको PDC चेक सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 2 चेक आपको सबमिट करने पड़ते हैं अगर आप एडमिशन के लिए देखना चाह रहे हैं स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं नीट PG के एडमिशन के रिगार्डिंग और नीट UG के बारे में। होप करता हूँ वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी फर्दर डाउट हो या फर्दर अलग कॉलेज के अकॉर्डिंगली आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं या उसके रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम फर्दर आपको रिव्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।